बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बॉर्डर बनाने का तरीका। बॉर्डर बनाने का तरीका कुछ इस तरह शेयर करूंगी, बहुत आसान करके शेयर करूंगी। और इस बॉर्डर की खासियत ये होगी कि ये बॉर्डर हमारा शेरवानी कॉलर के अंदर, बे गले के अंदर, डायमंड नेक के अंदर, गोल गले के अंदर, जो गला आप अपनी च्वाइस के मुताबिक बनाएंगे उस गले के अंदर ये बॉर्डर इजिली फिट हो जाएगा, बैठ जाएगा। बॉर्डर ही कुछ इस तरह का मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये है बॉर्डर का मटेरियल जो मैंने तैयार करके रख लिया है, मगर मैं आपको तमाम की साइजेस बताऊंगी, लेस बताऊंगी, कौन सी लेस कहाँ लगेगी। मेरे पास ये दो तरह की लेस है, एक है सेंटर लेस, एक है किनारे वाली लेस, और ये है डोरी लुक जो मैंने तैयार कर लिए हैं। ये है ट्रायंगल, ये मैंने 2.2 के कट किए हैं, यानी कि 2 इंच इसकी चौड़ाई है और 2 ही इंच इसकी लंबाई है। मैंने इसे प्रेस की मदद से इस तरह नीट कर लिया है, प्रेस कर लिया है। तो ये है ट्रायंगल, ये है डोरी लुक, ये हमारे डिजाइन में, हमारे बॉर्डर में यूज होंगे। ये है हमारे पास सेंटर लेस, मैंने सेंटर लेस चौड़ी वाली ली है, तकरीबन 1/2 इंच चौड़ी है। आप जो सीढ़ी वाली लेस होती है वो भी ले सकते हैं, या कोई भी डिजाइन की सेंटर लेस ले सकते हैं। ये है किनारे वाली लेस, मुझे सिर्फ इसके कटवर शो करने हैं। वैसे तो इसमें भी सेंटर आ रहा है, बट इसका ये जो जाली है इसे हम नहीं इस्तेमाल में लेंगे, सिर्फ हमें इसकी कटवर यूज में लेनी है। तो ये हो गई वो दो लेसें। अब जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पट्टियां हैं, ये है हमारी बुकरम वाली पट्टियां। मैंने इसे एक ही कपड़े के ऊपर चिपका लिया है, क्योंकि पट्टियां बहुत बारीक थी तो इसलिए मैंने इसे अलग अलग नहीं किया, एक ही कपड़े के ऊपर चिपका लिया। बट आपको इसकी साइजेस बताऊंगी कि ये पट्टियां मैंने कितनी चौड़ी कट की हैं। इनकी जो चौड़ाई मैंने रखी है 1/2 इंच से भी 1 पॉइंट कम रखा है, क्योंकि ये पट्टियां जितनी बारीक होंगी उतना ही इस बॉर्डर की खूबसूरती निकल कर आएगी। तो पट्टी हमारी 1 इंच नहीं होनी चाहिए, पट्टी मैंने 1/2 इंच से भी 1 पॉइंट कम रखी है। तो ये तो होगी इसकी चौड़ाई, मैं आपको इसकी लंबाई बताऊंगी कि मैंने कितने इंच की इसे तैयार किया है। तो मैंने 31.5 इंच की ये पट्टियां कट करी हैं और प्रेस करी हैं। अब इसको बीच से कट करेंगे। बीच से कट करते वक्त कपड़े का दबाव हम सेम रखेंगे, कहीं से ज्यादा कहीं से कम नहीं रखेंगे। तो दोनों पट्टियों को मैंने अलग कर दिया है। मेरे पास है फैब्रिक ग्लू, आपके पास UHU हो, ग्लू स्टिक हो, कोई भी चीज हो, आपने इसके ऊपर हल्की हल्की से लगानी है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो आप प्रेस करके इन पट्टियों को नीट कर लें। हल्के हाथ की मदद से एक्स्ट्रा कपड़े को बुकरम के ऊपर टर्न करते जाएंगे। तो दोनों पट्टियां मैंने नीट कर ली हैं और मैंने इसे प्रेस भी कर लिया है। बहुत सफाई के साथ ये पट्टियां तैयार हुई हैं। अब इन पट्टियों को अपनी लेस के साथ अटैच करेंगे। तो पहली पट्टी को हमने लेस का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसके ऊपर रखना है। तो बॉर्डर मैंने तैयार कर लिया है, दोनों पट्टियों को मैंने लेस के साथ अटैच कर लिया है। अब लगाएंगे अपनी कटवर वाली लेस और इसको देंगे लुक। अब पट्टियों को अच्छी तरह प्रेस करेंगे, उसके बाद इन पट्टियों को इस तरह आधोवाद करेंगे, यानी कि इसका सेंटर बनाएंगे इस तरह थंब की मदद से। अब हमने इस तरह पट्टी को खोलना है और इस तरह नोक बनानी है। अब इस पॉइंट पर आकर आपके ऊपर है, अगर आपने नोक वाला स्टाइल रखना है तो आप नोक वाला स्टाइल रखेंगे, कटवर वाली लेस को बाहर की साइड लगा देंगे। बट मैंने इसमें नोक वाला स्टाइल नहीं बनाना, मुझे स्क्वायर बनाना है। तो मैं इस नोक को अच्छी तरह प्रेस कर लूंगी, उसके बाद इस नोक को उठाकर इसके ऊपर रखेंगे। अब ध्यान ये देना है कि हमारी ये जो पट्टी है इसके साथ इसके कोने बिल्कुल मिलने चाहिए।
इस तरह। ये हो गया स्क्वायर वाला डिजाइन। अगर आपको स्क्वायर वाला डिजाइन पहनना है तो आपने इसको स्क्वायर लुक देनी है, अगर आपने वी वाला पहनना है तो आपने इसको वी वाली लुक देनी है। दोनों सूरतों में बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये डिजाइन। अच्छा मगर हमने इसमें स्क्वायर वाला डिजाइन देना है। अब हमने इस पे हल्की हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगानी है इस पॉइंट पर आकर। आप सुई की मदद से टाके भी लगा सकते हो। ऊपर में हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी, इसके ऊपर रखकर इस तरह इसको चिपका देंगे। अब इसे इस तरह पलटेंगे, नीचे से पट्टियों को बराबर करेंगे और सुई की मदद से नीचे से हल्के हल्के से टाके लगा देंगे ताकि हमारी जो पट्टी है आपस में अटैच रहे, खुले नहीं। स्क्वायर लुक हमने इसकी बना ली है। अब हम इस पे लगाएंगे लेस। हमने अपनी लेस को इस तरह सेट करना है। आप फैब्रिक ग्लू की मदद से भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट सिलाई लगाकर भी लगा सकते हैं इस लेस को। तो लेस मैंने लगा दी है। मैंने लेस फिलहाल इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू से लगाई है, इसके ऊपर फाइनल सिलाई नहीं लगाई। तो बॉर्डर हो गया है कंप्लीट और ये है इसकी लुक, बिल्कुल रेडी है अपने ड्रेस के ऊपर लगने के लिए। अब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि आपको कौन से गले के अंदर ये बॉर्डर चाहिए, डायमंड नेक के अंदर चाहिए, बे नेक के अंदर चाहिए या फ्लैट कॉलर के अंदर चाहिए। जिसमें आपका ज्यादातर कमेंट्स होंगे मैं उसी गले के ऊपर आपको लगाना बता दूंगी। जिसके ज्यादा कमेंट्स होंगे, जिसमें आप सीखना चाहेंगे, मैं उसी में आपको ये बॉर्डर सेट करना बता दूंगी। बट मैंने आपको बॉर्डर तैयार बता दिया है कि ये बॉर्डर हो गया है कंप्लीट। अब जहां चाहे आप इसको लगा सकते हैं। आप इस बॉर्डर को आपस में अटैच करके लगा दें, ऊपर से गोल गला कर दें या बेगला कर दें, बहुत ब्यूटीफुल लुक देगा। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डिजाइन, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।